पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा भी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए और उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में कहा कि इसमें कोई नई बात देखने को नहीं मिली है। राज्यपाल अपने अभिभाषण को पूरा नहीं पढ़ पाए। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सदन में पूरा नहीं पढ़ा गया। कारण इसका यह था कि स्वयं राज्यपाल इस बात को जानते थे कि जो कुछ इस अभिभाषण में लिखा गया है वो सत्य नहीं, इसकी वजह से बीच में छोड़कर वो और अधिक उबाऊ भाषण नहीं देना चाहते थे। सरकार कोई नई बात नहीं कर रही, सरकार पुरानी शराब नई बोतल में डालकर दोबारा लेकर लोगों के बीच में आई है। हरियाणा की जनता के लिए कोई नया कार्यक्रम नहीं। हजारों की संख्या में महिलाएं भूखी प्यासी आज बैठी हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स, उनकी आवाज़ सुनने के लिए सरकार के पास समय नहीं। सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बात करने नहीं गया। आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर जिस प्रकार का अत्याचार, ये सरकार अपने वायदे से मुकर रही है। सरकार ने वायदा किया था कि पक्का करेंगे, अपने घोषणा पत्र में लिखा था, आज उस वायदे से दूर भाग रही है। इसके लिए हम पूर्ण उनकी आवाज़ को कल विधानसभा में